बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम खीर बना रहे हैं, चावल की खीर बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, मैंने 2 किलो दूध लिया है और इसको खौल लाने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया और हम तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे ताकि इतना हो जाए कि ये हमारा दूध 1.5 किलो रह जाए, बहुत अच्छी तरीके से थिक हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने 1 कप चावल है इसको मैंने भिगो दिए थे, उसके बाद इसको मैंने पीस लिया है बारीक ग्राइंडर में। अब हमारे चावल आधा घंटे हो गया पकते हुए, अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। दूध हमारा आधा घंटा हो गया था पकते हुए, इसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए और इसको हम 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से गल जाएं। ये देखिए, खोया लिया है मैंने 150 ग्राम, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैंने हाथ से चूरा कर लिया है और खोया ठंडा बिल्कुल ना डालें वरना दूध फट जाता है, और चख लिया करें ज़रूर कि खोया खट्टा ना हो वरना खीर ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो 2 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखें और इस तरह से फिर आप खीर बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया। अभी हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और पकते हुए, अब हमारी खीर जो है थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है धीरे धीरे। देखें कितने अच्छे से हमारे चावल गल गए हैं बिल्कुल, और खीर हमारी थिक होना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल रबड़ी के स्टाइल में बनती है खीर, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितनी हमारी थिक हो गई है। अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी, अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से डालें, जितना मीठा आपको खाना है। हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और ये देखिए, मैंने ज़ाफ़रान घोल के रखा था, उसको मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ज़ाफ़रान और इलायची से बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आता है, खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आने लगती है। देखिए अभी से बहुत खुशबू आ रही है इसके अंदर। अच्छा, खीर बहुत ज़्यादा थिक नहीं उतारेंगे क्योंकि रखने से थोड़ी जम जाती है बहुत ज़्यादा। अगर गाढ़ी होगी खीर तो आपकी बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी रखने से ना, तो नॉर्मल खीर उतारें। अभी देखें, चीनी इसमें घुली है तो थोड़ी सी पतली हुई है, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसको हम पका लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बादाम पिस्ते इसमें मैंने काट के रखे थे, वो ऐड कर रही हूँ। वीडियो एटलीस्ट 2-3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद आप सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चावल की खीर बनके तैयार है, बिल्कुल रबड़ी का टेस्ट आएगा, आप इसको खाएं बहुत मज़ा आएगा आपको। उसको मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।